प्रदेश के रामपुर से सांसद और सपा नेता आजम खान पर प्रशासन शिकंजा कसता जा रहा है। अब पुलिस ने आजम खान पर 13 नई FIR दर्ज की है। इनमें जोहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप की शिकायत दर्ज है। अब ऐसे में प्रशासन ने सांसद आजम खान को भू माफिया घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश जिला अधिकारी की तरफ से उनका नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामपुर से सांसद और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान पर एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जाने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एंटी भू माफिया पोर्टल पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं जो जमीन पर कब्जा करते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं है। रामपुर SP अजय गुप्ता के मुताबिक आजम खान पर दर्ज प्रकरणों की जाँच के लिए 3 सदस्यीय SIT बनाई गई है। आजम खान पर दर्ज मुकदमे को लेकर अखिलेश यादव की 21 सदस्य जांच कमेटी बनाई गई है जो 20 जुलाई को रामपुर आ रही है। इस पर कांग्रेस नेता फैसल लाला ने अखिलेश यादव को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से यह आग्रह किया है कि आप अपने जांच दल को यह हिदायत दें कि वो उन पीड़ित परिवारों से जरूर मिले जिनके साथ जुल्म हुआ था और उनकी जमीनें कब्जा कर ली गई थी। एक मामला जोहर यूनिवर्सिटी की जमीन का है और दूसरा यतीम खाना बस्ती का है जहां 40 लोगों को बेघर कर जमीन पर वह काबिज हुए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।